हाय फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो में ये वैकेंसी आई है। अब देख सकते हैं ये वैकेंसी अभी आई है, 15 फरवरी 2020 को ये वैकेंसी रिलीज कर दी गई है। इसमें जो वैकेंसी आई है वो डिफरेंट पोस्ट के लिए आई है और इसमें एलिजिबिलिटी भी डिफरेंट डिफरेंट है, बट हम उन्हीं पोस्ट के बारे में बात करेंगे जो डिप्लोमा और ITI वालों के लिए है। बात करें पहले पोस्ट की, तो पहला पोस्ट है टेक्नीशियन बी का, ये है ITI वालों के लिए। तो इसमें हम बता दें आपको, इसमें जो ब्रांच एलिजिबल है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल टेक्नीशियन पावर। इसके जो टोटल नंबर पोस्ट हैं वो है 50। दूसरा है फीटर, इसमें 17 वैकेंसी हैं। इलेक्ट्रिकल 11 वैकेंसी हैं। प्लम्बर 5 वैकेंसी हैं। RAC में 8 वैकेंसी हैं। टर्नर की 3 वैकेंसी हैं। मैकेनिक्स की 3 वैकेंसी हैं। मोटर व्हीकल की एक है। फोटोग्राफी की एक है। फिर वेल्डर की एक है। और इसमें जो सिलेक्शन इसका प्रोसीजर होगा, इसमें आपका रिटन टेस्ट होगा और इसमें स्किल टेस्ट होगा। बात करें दूसरा जो पोस्ट है वो है टेक्निकल असिस्टेंट का, ये जो है डिप्लोमा वालों के लिए। इसमें जो भी, इसमें हम बात करेंगे जो भी ब्रांच की, उसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए फर्स्ट क्लास मिनिमम 60% मार्क्स में। तो इसका पहला जो ब्रांच है मैकेनिकल, इसमें टोटल नंबर वैकेंसी 13 हैं। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें 17 वैकेंसी हैं। और आगे है कंप्यूटर साइंस, इसमें 5 वैकेंसी हैं। ऑटोमोबाइल में 1 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल में 2 वैकेंसी हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में 2 हैं। और सिविल में 1 वैकेंसी इसमें है। इस पोस्ट के लिए आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, इसमें भी आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। अगर हम बात करें इसमें एज लिमिट और सैलरी की, तो इसमें जो टेक्नीशियन बी हैं, जो ITI वाले कैंडिडेट हैं, उनका जो एज होना चाहिए, यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम जो एज है वो 18 साल है। साथ में इनका जो सैलरी है वो लेवल 3 का है और इनको दिया जाएगा 21,700 रुपये पर मंथ, और साथ में जो भी अलाउंस होगा वो दिया जाएगा। बात करें टेक्निकल असिस्टेंट की, तो इसमें इसका जो एज लिमिट है वो 18 से 35 साल है। इसका लेवल 7 है इसकी सैलरी, और साथ में इसकी सैलरी दी जाएगी 44,900 रुपये पर मंथ, साथ में जो भी अलाउंस है वो दिया जाएगा। ये है डिप्लोमा वालों के लिए। सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो इसमें आपको जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा टेक्नीशियन बी यानी ITI और डिप्लोमा वालों का, उसमें क्या होगा, पहले आप फॉर्म भरेंगे तो स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग करने के बाद आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे। शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको वो एडमिट कार्ड भेजेंगे, और उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। फाइनल सिलेक्शन जो होगा आपका वो रिटन टेस्ट के बेस पे ही होगा। और इसका एक बात हम अधिक बता दें आपको, इसका जो एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाला है वो सिर्फ बेंगलुरु में ही रहने वाला है। आप देखिए दिया गया है जो इसका एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा वो सिर्फ बेंगलुरु में ही रहेगा। इसकी एप्लीकेशन फ़ी की, तो इसमें जो एप्लीकेशन फ़ी आपको ऑनलाइन जमा करना है वो आपको 250 रुपये यानी 250 रुपये आपको जमा करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी इसका। बात करें इसके हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाके आप पूरा नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं और इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। आपको बता दें इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो 15/15/2020 से स्टार्ट होगा, और जिसका जो लास्ट डेट है वो 6/3/2020 होगी। फॉर्म भरने में अगर आपको वो दिक्कत आती है और जॉब से रिलेटेड अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने कल ही अभी एक नई कोस्ट गार्ड की वैकेंसी अपडेट की है, अब मेरे चैनल विजिट करके उसको भी देख सकते हैं। धन्यवाद।